सब्सक्राइब कीजिए फिजिक्स रैंडम चैनल को और बेल आइकन को दबाइए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। हाय एवरीवन, आज हम जनरल साइंस में सामान्य विज्ञान में जो मैंने सीरीज स्टार्ट करी हुई है ह्यूमन बॉडी की, उसमें ब्लड के बारे में कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो से पहले दो वीडियोस मैं ब्लड पे बना चुकी हूँ, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम ब्लड में जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो ब्लड है वो हमारे दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक तो प्लाज्मा में और एक कॉर्पल्स में, रुधिराणु में, ठीक है। प्लाज्मा जो है वो 60% होता है और जो रुधिराणु होते हैं वो 40% होते हैं। आज इस वीडियो में हम जो हमारे रुधिराणु हैं उसमें जो RBC, WBC और प्लेटलेट्स में डिवाइड है, इसे पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब जो हमने ब्लड में देखा, अभी तक जो पढ़ा है कि जो ब्लड है हमारा दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, प्लाज्मा एंड रुधिराणु, ठीक है। अब इसमें जो RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स हैं, तो आज की इस वीडियो में हम इन तीनों के बारे में वन बाय वन करके पढ़ने वाले हैं और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ना सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बल्कि हमारी बेसिक नॉलेज के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में ना लेजीनेस और थकान आना या फिर कोई किसी चीज़ में मन ना लगना, ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है। अब इस प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम किया जा सकता है, तो वो हमें इनसे पता चलेगा कि हमारी बॉडी में किसकी कमी की वजह से हमें क्या हो रहा है और हमें पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले अपनी बॉडी में इन सब चीज़ों को चेकअप करवाना चाहिए ताकि वो प्रॉब्लम हमें आगे ना आए। तो अब इसमें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है आपका RBC है, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स RBC की फुल फॉर्म है। इसके अलावा रेड ब्लड सेल्स को एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक है। इसके ऊपर आपका क्वेश्चन आ जाता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में इस टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो प्लीज एक बार आप उनको देखिएगा। अब RBC की बात करते हैं, तो RBC क्या है, एक स्मॉल राउंड और बाइकॉनवेव है। ये एक डंबल शेप में, मतलब ये 3D में अगर देखें तो ये एक डंबल शेप की सेल्स होती हैं, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं, मीन्स कि जो हमारी WBC, RBC और प्लेटलेट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो अमाउंट है वो RBC का होता है। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो कॉर्पसल्स हैं या फिर रुधिराणु हैं उनमें सबसे ज़्यादा अमाउंट किसका होता है, तो आंसर होगा आपका RBC का, ठीक है। नेक्स्ट है 119 मिलियन जो रेड ब्लड सेल्स है वो पर सेकेंड में हमारी बॉडी में बनती हैं और ब्रेक होती हैं। अब इसमें जो हमारी RBC है इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। अब अगर किसी चीज़ में न्यूक्लियस मतलब केंद्रक अगर नहीं है तो इससे हमारी बॉडी में DNA की जांच नहीं हो सकती। DNA क्या होता है, deoxyribonucleic acid, ठीक है। अब आपको सबको पता है कि DNA हमारे बॉडी के ईच एंड एवरी पार्ट में प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके हेयर से DNA पता लग जाता है, नेल्स से पता लग जाता है, ठीक है, बॉडी की किसी भी चीज़ से आपका DNA पता लग जाता है। लेकिन जो हमारी RBC होती है इनमें न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस ना होने की वजह से इनमें DNA और RNA नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से आप कभी भी अपना DNA टेस्ट RBC के थ्रू नहीं करवा सकते। वो इसलिए क्योंकि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। तो ये एक पॉइंट से आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिली है, तो प्लीज़ अपनी जब भी आप ये क्लास लेते हैं तो आप अपना पेपर और पेन लेकर बैठा कीजिए ताकि जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं इसमें बोल रही हूँ वो आप उनको नोट डाउन कर सकें। नेक्स्ट है एंड कंटेंट्स हीमोग्लोबिन। अब जो RBC है, नाम से ही पता चल रहा है रेड ब्लड सेल्स हैं, तो आपको पता है जो ब्लड है उसका जो कलर होता है रेड होता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो ये हीमोग्लोबिन होता है इसलिए रेड आयरन रिच प्रोटीन होता है जो कि ऑक्सीजन को बाइंड करके रखता है, ठीक है। अब जो RBC है इनकी लाइफ देखती है, लाइफ कितनी होती है, 100 से 120 डेज की इनकी लाइफ होती है। इसके अलावा जो हमारी RBC होती है इनमें लाइसोसोम भी नहीं होता है, अभी इस टॉपिक को हम आगे पढ़ेंगे। नंबर ऑफ RBC एंड द अमाउंट ऑफ HbHb मतलब हीमोग्लोबिन, ये वेरी करता है बहुत सारे डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर। अब इसमें एग्जांपल देखिए, अगर कोई भी पर्सन है जो कि हाई एल्टीट्यूड पे रहता है, वहां पे जो RBC है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में बढ़ने लग जाती है, वो जो डिजीज होती है उसको हम पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि उस डिजीज का क्या नाम होता है। सेकेंड पॉइंट है, जब बर्थ होता है किसी का भी तो जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो ज्यादा होती हैं, लेकिन बर्थ के जस्ट बाद एकदम से इनका जो नंबर होता है वो धीरे धीरे गिरने लग जाता है। और वो कब राइज होता है, मीन्स कि वो नंबर दोबारा से कब बढ़ने लगता है, जब
आप प्यूबर्टी की एज में आते हैं, मींस कि जब हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आते हैं उस टाइम पे जो आरबीसी है उनका लेवल बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज लैकनेस ऑफ लाइसोसोम। जो लाइसोसोम है ये हमारी बॉडी में डेड सेल्स को खाता है, आरबीसी में ये नहीं होता है, जिसकी वजह से अगर जो आरबीसी है वो जब सेल्स मर जाती हैं उसकी तो उनको खाने वाला कोई नहीं होता है, इसलिए जो आरबीसी की सेल्स हैं, मरी हुई जो डेड सेल्स हैं वो स्प्लीन में चली जाती हैं। ठीक है, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि जो स्प्लीन है उसे ब्लड बैंक भी कहा जाता है और ग्रेवयार्ड भी कहा जाता है। ग्रेवयार्ड का मतलब होता है कब्र, तो आरबीसी की जो कब्र होती है वो स्प्लीन होता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये शॉर्ट में ये सारी चीजें समझाने के लिए है। अब देखिए इसमें क्या है, ब्लड में क्या होता है आरबीसी में क्या होता है हीमोग्लोबिन, एचबी से इसको डिनोट करते हैं। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। ये जो चीजें हैं, अगर किसी भी फीमेल की बात करें तो फीमेल्स में आयरन की कमी होती है, आयरन की कमी होने से हीमोग्लोबिन कम होता है, हीमोग्लोबिन कम होने से आरबीसी कम होती है, और अगर आरबीसी के अमाउंट कम है, नंबर्स कम है, तो जो ब्लड है उसका अमाउंट भी ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। इसी वजह से जो मेल होते हैं उनमें हाफ लीटर ब्लड फीमेल्स के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। अब जो आयरन है ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, आयरन है या फिर हीमोग्लोबिन है, इसकी वजह से अगर ये किसी में कम होता है, इसका अमाउंट अगर कम हो जाता है तो हमारे अंदर लेजीनेस आ जाती है। ठीक है, आरबीसी है 50 लैक्स होनी चाहिए कम से कम, अगर ये चीज नहीं है तो बॉडी में सुस्ती रहती है जो कि स्टूडेंट लाइफ को बर्बाद करने के लिए इनफ है। तो जब किसी में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी होती है तो डॉक्टर एक छोटी सी गोली देते हैं आयरन की, तो इसलिए जब हम चेक करवाते हैं, अगर आपको डाउट होता है, कभी लेजीनेस आती है, बॉडी में थकान सी फील होती है, तो उस टाइम पे ये चेक हमें करवा लेना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें, एनीमिया इज कॉज बाय द शॉर्टेज ऑफ आयरन इन आवर बॉडी। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि खून की कमी से क्या हो जाता है, तो आंसर होगा एनीमिया, ये एक डिजीज है जो कि खून की कमी से हो जाती है। नेक्स्ट है आरबीसी के बाद जो अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है वो है हमारे लिए डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का मतलब होता है व्हाइट ब्लड सेल्स, और इसका जो दूसरा नाम है उसे ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, डब्ल्यूबीसी या फिर ल्यूकोसाइट्स। जो डब्ल्यूबीसीज होते हैं ये डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स इसलिए होते हैं क्योंकि इनके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिस वजह से वो रेड होती है, लेकिन डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स श्वेत रक्त कणिकाएं इनके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, इस वजह से ये व्हाइट कलर की होती हैं, मींस कि हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से ये रेड नहीं होती है। अब जो ये डब्ल्यूबीसी हैं ये इनका क्या काम होता है, ये हमारी बॉडी के सोल्जर्स होते हैं, हमारी प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, जितनी भी कोई भी बाहर की जो डिजीज है, बैक्टीरिया है, वायरस है, उनसे ये लड़ने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि जो डब्ल्यूबीसी है इनकी जो शेप होती है वो फिक्स नहीं होती, जैसे आरबीसी में मैंने आपको शेप बताया बाइकॉन्वेक होती है, डंबल शेप होती है, इसी टाइप से डब्ल्यूबीसी की कोई शेप फिक्स नहीं होती है, ये इररेगुलर शेप में होते हैं। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि ये अमीबा जैसे होते हैं, जैसे अमीबा की भी कोई फिक्स शेप नहीं होती, ऐसे ही डब्ल्यूबीसी की भी कोई फिक्स शेप नहीं होती है। डब्ल्यूबीसी के बारे में देखिए, हेल्प द इम्यून सिस्टम फाइट ऑल द इन्फेक्शंस बाय अटैकिंग बैक्टीरिया वायरसेस एंड जर्म्स। व्हाइट ब्लड सेल्स ओरिजिनेट इन द बोन मैरो बट सर्कुलेट थ्रू आउट द ब्लड स्ट्रीम। जब मैंने आपको ब्लड की ये जो सीरीज स्टार्ट करी थी, इसमें जब फर्स्ट वीडियो मैंने बताई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जो ब्लड है उसकी फॉर्मेशन अडल्ट में बोन मैरो में होती है, और जो चिल्ड्रंस होते हैं या फिर जो बोन होता है, बोन मीन्स की जो वो बहुत मतलब बेबी जब हुआ भी नहीं होता है तो उस टाइम पे जो ब्लड है इसकी फॉर्मेशन लिवर में होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाइट ब्लड सेल्स आर मेड इन द बोन मैरो, दे आर स्टोर्ड इन योर ब्लड एंड लिम्फ टिश्यूज। ठीक है, बोन मैरो में बनता है, और जो हमारा जो ब्लड है ये लिम्फ टिश्यू में स्टोर होता है, और जो व्हाइट ब्लड सेल्स है वो ब्लड में स्टोर होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है जो लाइफ है डब्ल्यूबीसी की वो कितनी होती है, 1-3 डेज की होती है। अगर किसी की बॉडी में 10,000 से कम अगर डब्ल्यूबीसीज होती हैं तो उनमें बीमारियां जल्दी लग जाती हैं, थोड़ा बहुत भी कुछ होता है तो वो बहुत सीरियस बीमार हो सकते हैं। ठीक है, जो हमारी डब्ल्यूबीसी है इसमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस है इट मींस इसमें डीएनए और आरएनए है, तो डब्ल्यूबीसी के थ्रू हम अपना डीएनए टेस्ट करवा सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि जो व्हाइट ब्लड सेल्स है डब्ल्यूबीसी है इसके कितने टाइप्स होते हैं, तो इसमें मेनली मैंने 5 टाइप्स लिखे हैं।
फर्स्ट है मोनोसाइट्स। जो मोनोसाइट्स होते हैं ये किस टाइप के होते हैं, जो WBC है उसमें मोनोसाइट्स की जो लाइफ होती है सबसे ज़्यादा होती है, और इसके अलावा ये जो बैक्टीरिया या वायरस जो हमारी बॉडी में आ जाते हैं इनको ये ब्रेक करते हैं, इनको ये तोड़ने का काम करते हैं। नेक्स्ट इज लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स को टी सेल्स भी कहते हैं। दे क्रिएट एंटीबॉडीज टू फाइट अगेंस्ट बैक्टीरिया वायरसेस एंड अदर पोटेंशियली हार्मफुल इन्वेड्स। ये एंटीबॉडीज का काम करती हैं, फाइट करती हैं जो भी बैक्टीरिया या वायरस होते हैं उनके अगेंस्ट। अब जो लिम्फोसाइट्स हैं ये हमारी WBC में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, बट HIV एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जिसमें लिम्फोसाइट्स ही मर जाती हैं। जो लिम्फोसाइट्स हैं ये ख़त्म हो जाती हैं। इस सिचुएशन में जो पेशेंट होता है उसकी जो सिचुएशन होती है वो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप आता है आपका न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स में क्या होता है, ये किल करती हैं और जो बैक्टीरिया या फिर फंगी है उनको ये डाइजेस्ट करती हैं। इससे नेक्स्ट टाइप है बेसोफिल्स और इजियोनोफिल्स। ये जो हमारे इजियोनोफिल्स और बेसोफिल्स है ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल आपको नॉलेज में होना चाहिए कि ये होते क्या है। बेसोफिल्स का देखिए, दीज स्मॉल सेल्स सीम्स टू साउंड एन अलार्म व्हेन इन्फेक्शंस एजेंट इन्वेड योर ब्लड। दे सीक्रेट केमिकल्स सच एज हिस्टामिन। इसमें जो बेसोफिल्स है उसमें कौन सा वाला केमिकल होता है, हिस्टामिन होता है, ठीक है। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अ मार्कर ऑफ एलर्जिक डिजीज दैट हेल्प्स कंट्रोल बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स। इसके बाद में इजियोनोफिल्स में क्या होता है कि जितने जो पैरासाइट्स होते हैं या फिर जो बहुत ही हार्मफुल डिजीज होती है लाइक कैंसर सेल्स होते हैं उन पे ये अटैक करते हैं। इन शॉर्ट अगर जो WBC है इसके जो टाइप्स हैं उसका क्या काम है, तो देखिए अगर किसी भी की भी बॉडी में कोई बीमारी होती है तो वो चीज़ जब हमारी बॉडी में कोई भी एक्सटर्नल वायरस या बैक्टीरिया या कोई भी ऐसी हार्मफुल चीज़ हमारी बॉडी में जब एंटर करती है तो सबसे पहले वो एंटीबॉडी को पता चलता है। एंटीबॉडी ये बात लिम्फोसाइट को बताती है। जो लिम्फोसाइट है उसका काम क्या होता है, उन बैक्टीरिया या वायरसेस को किल कर देना, उनको मार देना। और लास्ट में जो काम होता है वो मोनोसाइट्स का होता है। जो जो बैक्टीरिया या वायरस को लिम्फोसाइट ने मारा है, मोनोसाइट उनको अपने अंदर स्टोर कर लेता है, उन सारे मरी हुई बैक्टीरिया या वायरसेस को खा जाता है, उन सारी सेल्स को खा जाता है, जिसकी वजह से लिम्फोसाइट का जो साइज है वो सबसे ज़्यादा बड़ा होता है WBC में। अब जो WBC है इसके बाद में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को थर्मोबोसाइट भी कहते हैं। प्लेटलेट्स जो है ये हमने यूजुअली कब सुनते हैं, जब किसी को डेंगू होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा प्लेटलेट वर्ड जो है ना सुनने में ही तभी आता है। उस टाइम पे जो प्लेटलेट्स हैं मतलब कि 1.5 से 2 लाख होनी चाहिए, लेकिन इसका जो अमाउंट है वो गिर जाता है। तो उस सिचुएशन में हम उस पेशेंट को, डेंगू के पेशेंट को जब प्लेटलेट्स गिर जाती हैं तो उसे हमें बहुत सारे फ्रूट्स देते हैं, गिलोय का जूस देते हैं, एलोवेरा या फिर गॉट मिल्क, ये सारी चीज़ें जो है ना प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए अच्छी रहती हैं। तो इन्हें भी आप अपनी डाइट में अगर लेते हैं तो प्लेटलेट्स के कम होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। अब प्लेटलेट्स में देखिए, लैकनेस ऑफ न्यूक्लियस, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। तो अगर किसी भी चीज़ में, चाहे आपकी RBC हो, WBC हो या फिर प्लेटलेट्स हो, अगर न्यूक्लियस नहीं होता है तो इट मीन्स उसमें DNA की जांच नहीं हो सकती है। तो हमारी जो RBC हैं और प्लेटलेट्स हैं इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। WBC में न्यूक्लियस पाया जाता है, इसलिए WBC से DNA की जांच हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये कलरलेस ब्लड सेल्स होती हैं और हेल्प करती हैं ब्लड क्लोटिंग में। ब्लड क्लोटिंग का मतलब होता है खून का थक्का जमना। अगर आपको थोड़ी बहुत चोट लग गई है, कहीं गिर गया है, स्क्रैच आ गया है, तो जो हमारा थोड़ा सा ब्लड निकलता है वो ऑटोमेटिकली क्लोट होने लग जाता है। ये विटामिन के की वजह से होता है, ठीक है। इसके क्वेश्चंस भी मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिए थे, तो प्लीज उनको देखिएगा आप। नेक्स्ट है, देयर शेप वेरीज ग्रेटली बट दे आर यूजुअली राउंड, ओवल एंड रॉड शेप्ड। जो इनकी शेप होती है वो वेरी करती रहती है, मींस कि फिक्स नहीं है, चेंजेस आते रहते हैं, बट ज्यादातर जो देखी जाती है वो राउंड में, ओवल में या फिर रॉड शेप में इसको देखा जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो प्लेटलेट्स हैं ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जब डेंगू होता है तभी हम सबसे ज़्यादा प्लेटलेट्स का सुनते हैं, तो आपने देखा होगा वो जो पेशेंट्स होते हैं, डेंगू पेशेंट्स होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है, चला नहीं जाता है, तो जो प्लेटलेट्स हैं वो कम होने की वजह से ऐसा होता है। तो प्लेटलेट्स हमारी बॉडी को एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं। आज की इस वीडियो में हमने WBC, RBC और प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ा है। अब इसकी जो नेक्स्ट वीडियो है इसमें हम कुछ क्वेश्चंस को, जो ब्लड के कुछ क्वेश्चंस बच गए हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए और कमेंट किया कीजिए ताकि मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिले वीडियोस बनाने का। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून विद आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़।